ओके कुछ गुड मॉर्निंग। चल आज का जो टॉपिक है अपना उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, अपना आज का टॉपिक है एन एफ, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म एन एफ। ठीक है, एनएफ की बात करें तो इसमें चार प्रकार की एनएफ है। पहले बात करते हैं इसमें चार प्रकार की नॉर्मलाइजेशन दे रखी है। कितने प्रकार की है? चार प्रकार की। फर्स्ट एनएफ, इसके बाद में बात करूं तो सेकंड एनएफ, इसके बाद में बात करूं तो थर्ड एनएफ, इसके बाद में बात करूं तो बी सी एनएफ। बी सी एनएफ चार प्रकार की नॉर्मल फॉर्म होती है। इन चारों नॉर्मल फॉर्म के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो नॉर्मलाइजेशन की ही नॉर्मल फॉर्म के यूज में लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये हमने बात की पिछले क्लास में। अगर नॉर्मलाइजेशन की फिर मैं बात करूं तो किसी भी डेटाबेस या टेबल को अपन उसकी रिडंडेंसी दूर करने के लिए या उसको सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको दो टेबलों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे डिपेंडेंसी दूर हो जाती है, जो रिडंडेंसी है वो दूर हो जाती है और हमारा डेटाबेस क्या होता है, एक्यूरेट परफेक्ट और राइट डेटाबेस बनता है। मतलब उसकी रिडंडेंसी को दूर करते ही हमारा डेटाबेस क्या होगा, राइट और गुड डेटाबेस। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं, डेटाबेस का टेबल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए कौन सी नॉर्मल फॉर्म आप यूज में लोगे, है नहीं है? और डिवाइड करते समय आप डिवाइड करने के बाद जो टेबल बन रही है वो टेबलों के ऊपर उनके सभी एट्रीब्यूट किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई फंक्शन डिपेंडेंसी फॉलो करनी चाहिए। फंक्शन डिपेंडेंसी होती क्या है सुन, तो जैसे एक कोई की एट्रीब्यूट है तो बाकी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड हो, की एट्रीब्यूट के ऊपर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड हो तो क्या होगी, फंक्शन डिपेंडेंसी। मतलब टेबल को नॉर्मलाइज करते समय वो टेबल किसी ना किसी फंक्शन डिपेंडेंसी के रूल्स को फॉलो करनी चाहिए और कोई ना कोई नॉर्म फॉर्म उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। मतलब उसको नॉर्मलाइज करते समय कौन सी नॉर्मल फॉर्म काम में लेंगे और वो कोई ना कोई एक फंक्शन डिपेंडेंस के रूल्स को फॉलो करें, ये मेन चीज होती है। नॉर्मलाइज करने के दो पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट एक तो नॉर्मल फॉर्म किसी ना किसी नॉर्मल फॉर्म को यूज करे, दूसरा वो फंक्शन डिपेंडेंसी के रूल्स के अनुसार नॉर्मलाइज की गई, मतलब उसके रूल्स फॉलो करती है, इसके फंक्शन डिपेंडेंस। देखते हैं इसका आगे की बात करता हूं मैं। पहले आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पढ़ते हैं पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखो एक छोटी सी टेबल बना हूं मैं, पहले इस टेबल को समझना। रोल नंबर, इसके बाद मैंने लिया नेम, इसके बाद लिया मैंने एज, इसके बाद लिया मैंने स्टूडेंट सब्जेक्ट। कुल मिलाकर मैंने चार एट्रीब्यूट ले लिए। इन चारों ही एट्रीब्यूट के अंदर मैं बात करना चाहूं तो क्या होगा रे, जैसे मैं ले लिया कि 101 रोल नंबर है तो एक एक तो दो रोल नंबर है। एक का नाम क्या है, हरीश है। दूसरे का नाम क्या है, रौनक है। ये दो बच्चे हैं, ये दोनों ही बच्चों की जो एज है वो 10 और 14 है। एक के पास हिंदी और मैथ दो सब्जेक्ट हैं और दूसरे के पास ओनली हिंदी। अब मुझे ये बताओ जो फर्स्ट एनएफ का जो मेन रूल है वो ये कहता है कि प्रत्येक फील्ड में केवल एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, केवल एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, प्रत्येक फील्ड में ओनली एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तब तो वो टेबल क्या होगी, फर्स्ट एनएफ को फॉलो करेगी। फर्स्ट एनएफ के अंदर क्या कहा मैंने, प्रत्येक फील्ड में ओनली यूनिक वैल्यू, एटॉमिक वैल्यू एक ही वैल्यू होनी चाहिए।
अगर है तो ऊपर स्टैंड अप के रूल्स को फॉलो कर रही है, अगर नहीं है तो वो टेबल पर स्टैंड अप में नहीं है, फर्स्ट एंड अप के रूल्स को फॉलो नहीं कर। अब मुझे ये बताओ क्या ये टेबल फर्स्ट एंड अप को फॉलो कर रही है क्या, फर्स्ट एंड अप के रूल्स को फॉलो कर रही है क्या, जल्दी बताइए आप। हाँ मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट एंड अप के प्रत्येक फील्ड में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। क्या इसमें प्रत्येक फील्ड में एटॉमिक वैल्यू है क्या, अगर है तो फर्स्ट एंड अप में है, नहीं है तो फर्स्ट एंड अप में नहीं है। तो क्या ये फर्स्ट एंड अप में है क्या, फर्स्ट एंड अप में है क्या, फर्स्ट एंड अप को फॉलो कर रही है क्या टेबल, जल्दी बताओ। इसी तरह ने कहा यस, बाकी बच्चे हाँ ठीक है, वो किसका आंसर आया देखते हैं। राव ने कहा यस, इन फर्स्ट नोट फॉर्म को फॉलो नहीं कर, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 101 पे हरी से, इसमें सभी फील्ड्स में यूनिक वैल्यू है लेकिन इसके सब्जेक्ट में एक साथ दो वैल्यू आ रही है। अरे आ रही है क्या, इसलिए क्या है फर्स्ट एनएफ के रूल्स को फॉलो नहीं कर। अगर इसको फर्स्ट एनएफ में चेंज करना है, लेकिन इसको फर्स्ट एनएफ में चेंज करना है तो क्या करूं, मैं एक टेबल बनाता हूं फिर अलग से। देखो फिर मैंने टेबल बनाई किस नाम की, वही रोल नंबर। रोल नंबर, नेम, एज और सब्जेक्ट। ठीक है, इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया सुनना, रोल नंबर 101, रोल नंबर 101, रोल नंबर 101, यहाँ पे वही हरीश है, वही हरीश है, वही हरीश है, 10 साल का, 10 साल का, 10 साल। ठीक है, इसी प्रकार से इसके पास एक तो हिंदी सब्जेक्ट हो गया, एक इसके पास मैथ हो गई, ठीक है मैथ्स हो गई, एक इसके पास इंग्लिश हो गई। इसी प्रकार से रोल नंबर 102 पे कौन है, रौनक है, तो रौनक के पास से 14 साल की इसके पास हिंदी है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है इसके पास से, 102 पे रौनक, इसके पास इंग्लिश है। इसी टेबल को मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट एंड अप में चेंज कर। जैसे यहाँ पे इसके पास दो, एक फील्ड में यूनिक वैल्यू नहीं थी, दो वैल्यू थी, दोनों वैल्यू को अलग कर दिया, हिंदी और मैथ को अलग कर दिया, मतलब सब्जेक्ट तो अलग गया अपन, हिंदी, अब हिंदी हरीश के पास हिंदी भी है, हरीश के पास मैथ भी है, इसके पास इंग्लिश भी है। इसी प्रकार रोल 102, रोल के पास हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, यानी ये क्या हुआ, फर्स्ट एनर्जी इसको अपन ने चेंज किया। मैं टेबल कौन सी थी, स्टूडेंट टेबल थी, स्टूडेंट टेबल को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट एनर्जी में चेंज कर। अरे क्लियर है क्या, फर्स्ट एनर्जी क्लियर है क्या, जल्दी बताइए फर्स्ट एनर्जी क्लियर है क्या।
अब आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है, चेक करके बताइए। ठीक है, जल्दी करो, है ना, अपन इस टॉपिक पूरा करेंगे आज। ठीक है, जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होती है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को सपोर्ट नहीं करती। पार्शियल डिपेंडेंसी सपोर्ट नहीं करती। पार्शियल डिपेंडेंसी कब नहीं होगी? जब नॉन की एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड हो। मतलब मैं सिंपल सी बात करूं, जिस मेरे पास मान लिया एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर नामक कॉलम है, नेम नाम का है, एज नाम का है, एड्रेस है नहीं है, ये सारे कॉलम। तो ये रोल नंबर क्या मेरे पास की कॉलम है, मतलब इस ओपन एक प्राइमरी की बना दिया, मैंने इसको ओपन एक प्राइमरी की बना दिया। अब रोल नंबर के ऊपर ये तीनों कॉलम इसके ऊपर डिपेंड है, तीनों कॉलम इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ऐसा होता है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पार्शियल डिपेंडेंसी सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है तो वो डिपेंड होगी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। यदि पार्शियल डिपेंडेंसी होगी कब, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिख दिया, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नेम ले लिया, एक कॉलम को ले लिया मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। अब चार कॉलम ले लिए, ये चारों ही कॉलम इसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए, चारों कॉलम इसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल ली मैंने, स्टूडेंट स्टूडेंट रीड सब्जेक्ट, मतलब एक तो सब्जेक्ट टेबल है एक स्टूडेंट टेबल है, दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों टेबलों को एक जगह बना दूं, दोनों टेबलों को एक जगह बना दूं, तो यहाँ पे जैसे मान लो 101 कोई भी है एक्स वाई जेड, उसके पास सब्जेक्ट कौन से है? सब्जेक्ट तो बहुत सारे होंगे है नहीं है, मतलब इसके पास जैसे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, किसी 101 के पास है नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुई, डुप्लीकेसी हो रही है, क्या हो रही है, डुप्लीकेसी हो रही है। और ये सब्जेक्ट नेम कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सब्जेक्ट नेम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? सब्जेक्ट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा, किसके ऊपर कर रहा था? सब्जेक्ट आईडी के ऊपर, सब्जेक्ट आईडी के ऊपर। इस कंडीशन में सब्जेक्ट नेम तो एक प्रकार से सब्जेक्ट आईडी के ऊपर डिपेंड है, बाकी तीनों कॉलम किसके ऊपर डिपेंड है? रोल नंबर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे पार्शियल कंडीशन बन गई, मतलब ये कॉलम इससे अलग होना चाहता है, ये कॉलम इससे अलग होना चाहता है, लेकिन आपने इसमें एज का ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुई, पार्शियल डिपेंडेंसी, क्या हुई, पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड एनएफ में नहीं होती। क्या कहा मैंने, पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड एनएफ में नहीं होती है, ठीक है। अब इस सेकंड एनएफ पार्शियल डिपेंडेंसी को अपन रिमूव करेंगे, तो क्या कर दिया मैंने, इस टेबल को दो भागों में रिमूव कर दिया, एक तो स्टूडेंट टेबल, एक तो स्टूडेंट टेबल, दूसरी सब्जेक्ट टेबल। मतलब इस टेबल को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, एक तो स्टूडेंट, दूसरी सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट में जो कॉलम है वो एक तो रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया और एड्रेस ले लिया, और इस सब्जेक्ट को हटा के सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम इसको अपन ने इस टेबल में डाल दिया। मतलब यहाँ पे इस टेबल में नॉर्मलाइज कर दिया पार्शियल डिपेंडेंसी को हटा कर। यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही थी, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गई, ये दो टेबलें बन गई, पूरे दो टेबल कर रही है, सेकंड एनएफ को फॉलो कर रही है। क्यों? ये सारे कॉलम इसके ऊपर डिपेंड है और ये कॉलम इस कॉलम के ऊपर डिपेंड है। ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये प्राइमरी है, जो कि प्राइमरी की होती है उसके ऊपर सारे कॉलम क्या होने चाहिए, डिपेंड होने चाहिए। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्या कहा मैंने, समझ में आया क्या? हाँ, जो मैंने कहा समझ में आया क्या? जीता आपको, जीता आपको, अच्छी बात समझ में आया। मतलब मैंने क्या कहा, एक बार वापस समझना इसको, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूँ, एक बार और समझना इसको, छोटा सा एग्जांपल बोलूँ मैं यहाँ पे एक और।
कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल का नाम मैंने सब्जेक्ट रीड स्टूडेंट, ये को टेबल का नाम है। इस टेबल में जो कॉलम है, इस टेबल में जो कॉलम है वो कॉलम में ले लिए, एक कॉलम का नाम है रोल नंबर, एक का नाम है नेम, एक का नाम है एज, एक का नाम है क्लास, एक का नाम है सब्जेक्ट नेम, ठीक है। कुल मिला के एक टेबल है, इस टेबल का नाम ये है, इस टेबल में ये सारे कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रूल नंबर को तो प्राइमरी की बनाता हूँ तो ये सारे कॉलम इसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए थे, बिल्कुल यस या नो होने चाहिए। लेकिन नेम और सब्जेक्ट नेम ये दोनों भी एज और क्लास के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। नेम और सब्जेक्ट नेम भी इसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए, लेकिन नेम तो इसके ऊपर डिपेंड है, सब्जेक्ट नेम इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये डिपेंड किसके ऊपर होगा? सब्जेक्ट आईडी नाम के कॉलम के ऊपर डिपेंड। मतलब इस चीज से यहाँ पे पार्सिंग हो रहा है, ये अलग होना चाहता है, पार्सिंग अभी यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है। इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे नॉन की एटीट्यूड डिपेंड होने चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहे, इसको करना है अपने को। तो क्या करना है? इसको नॉर्मलाइज कर दो, क्या कर दो? नॉर्मलाइज कर दो, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के लिए दो टेबल अलग बना दी, एक तो स्टूडेंट और दूसरी सब्जेक्ट टेबल। अब स्टूडेंट और सब्जेक्ट टेबल यहाँ पे मैं ले लिया रोल नंबर, नेम, एज और क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम। अब यहाँ पे क्या हो गई? पार्शियल डिपेंडेंसी सपोर्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये सेकंड एनअप में काम हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेकंड एनअप को फॉलो कर, समझ में आया क्या? क्लियर? नोट करो इसको भी, सेकंड एनअप को भी हल्का हल्का समझ में आ जाता है। पार्शियल डिपेंडेंसी को कैन नॉट सपोर्ट, सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और नॉन की एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट डिपेंड होना चाहिए किसके ऊपर? की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। नोट करो इसको, चले चले क्या आगे कर लिया नोट, ठीक है। अब देखो आगे हमने बात की थी, यहां पे सेकंड फर्स्ट और सेकंड एनअप दोनों एनअप हमारे हो चुके हैं। अगला एनअप था थर्ड एनअप, क्या आता है? थ्री एनअप। चलो फर्स्ट एनअप हो गया, सेकंड एनअप हो गया, अगला एनअप क्या था? थर्ड एनअप आता, थ्री एनअप, इसके हम बात करते हैं। देखो अगर मैं थ्री एनअप की बात करूं, किसकी? थ्री एनअप की बात करूं तो थ्री एनअप ट्रांजेक्टिव, ट्रांस
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को सपोर्ट करता है। किसको करता है ये? ट्रांजिटिव डिपेंडेंस सपोर्ट करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि की एट्रीब्यूट डिपेंड होंगे किसके ऊपर? नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर, नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर। और नॉन की एट्रीब्यूट किसके ऊपर डिपेंड होंगे? की एट्रीब्यूट के। मतलब की एट्रीब्यूट नॉन की के ऊपर और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड हो तो वो क्या होगी? टेबल 3NF में होगी। सिर्फ कुछ रूल्स दे रखे हैं जो आप देखना बुक में। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अगर वो टेबल सपोर्ट करती है तो क्या होगा? 3NF में होगा। और 3NF में की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होंगे और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होंगे। अगर ये कंडीशन सही होती है तो वो टेबल किसमें होगी? 3NF में होगी। किसमें होगी? 3NF में होगी। इसे कुछ रूल्स दे रखे हैं और रूल्स देखना। फर्स्ट रूल, अगर कोई एफडी फंक्शन डिपेंडेंसी इसको सपोर्ट करती है, बी बिलोंग टू ए, तो वो क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट बी। ठीक है, मतलब इस बी के जो भी एलिमेंट है वो ए को सपोर्ट कर रहे हैं, ए को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इस ए के एलिमेंट बी में होंगे तो भी क्या होगा? इसको सपोर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिफरेंस होगी। मतलब नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होंगे और नॉन की के ऊपर डिपेंड होंगे। दूसरा जो रूल दे रखा है वो क्या है? कोई एफडी के बाई तरफ के एलिमेंट। हाँ, ये तीनों रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, हाँ कुछ, हाँ ठीक है। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर कि जो 3NF है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को सपोर्ट करती है। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होगा? यदि कोई भी टेबल के की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड हो और नॉन की एट्रीब्यूट के डिपेंड हो तो वो क्या होगी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी और वो 3NF में अंदर ही होगा। ये तीन रूल है, आप इनको रीड करना पढ़ना। तो ये क्या हुआ? 3NF। बचा क्या लास्ट अपना? BCNF। क्या बचा अपना? BCNF। सुनना, अगर BCNF की फुल फॉर्म की बात करूं तो बायोस कोड, BYCE, बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म, बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर कोई टेबल 3NF को सपोर्ट कर रही है, अगर कोई टेबल 3NF को सपोर्ट कर रही है तो वो BCNF में होगा ही होगा, BCNF में होगी ही होगी। लेकिन जरूरी नहीं कोई टेबल BCNF को सपोर्ट कर रही है तो 3NF को भी सपोर्ट करे, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई भी टेबल 3NF को सपोर्ट कर रही है, 3NF की रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो BCNF में हो सकती है, BCNF हो सकता है उसमें। लेकिन जरूरी नहीं है जो टेबल BCNF को सपोर्ट करती हो 3NF को सपोर्ट करे ही करे, ये जरूरी नहीं। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यहाँ पढ़ा अपन ने पल्स, सेकंड, थ्री और BCNF। मेन इनमें से पल्स और सेकंड NF है, इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ बात की अपन ने नॉर्मल फॉर्म की। चार प्रकार के नॉर्मल फॉर्म होती है, फर्स्ट NF, सेकेंड NF, 3NF और BCNF। फर्स्ट NF में वो एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए, सेकेंड में पास से डिफरेंसी नहीं होनी चाहिए, थर्ड में ट्रांजिट डिफरेंसी होनी चाहिए, फोर्थ के अंदर क्या होगा? जो 3NF होगा वो BCNF तो होगा होगा, लेकिन जरूरी नहीं प्रत्येक BCNF क्या हो, 3NF में हो। ठीक है, ये मैंने इनको कंप्लीट एक साथ बताया। तो ये बात की आज अपन ने नॉर्मल फॉर्म की। किसी बात की आज अपन ने नॉर्मल फॉर्म की बात की। नॉर्मल फॉर्म के साथ साथ आपका आज ये चैप्टर हो गया फिनिश। कौन सा? ईआर मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस। ये चैप्टर आज आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर, जो आपका प्रैक्टिकल चैप्टर भी है। और इसमें मैं बात करूं रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, RDBMS का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेटाबेस से संबंधित ही है ये चैप्टर भी, इस चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड है चैप्टर 14। इसको पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज आपका 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।